नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में आर्यन त्रिपाठी जी हैं, जो कि नोडल प्रिंसिपल हैं ITI के। हम उनसे खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम संवाद में। अच्छा, मुझे बताइए कि आप नोडल प्रिंसिपल हैं ITI के जी, क्या है आपके यहाँ अभी, क्या चल रहा है, क्या नए कोर्सेज आ रहे हैं, मतलब शिक्षण क्षेत्र में क्या और आप नया डेवलपमेंट कर रहे हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ें और कुछ बन सकें? देखिए, हमारा विभाग जैसा कि नाम से विख्यात है, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जी, जी, जी। तो हम लोग औद्योगिक बेस्ड प्रशिक्षण देते हैं, इसलिए विभाग का नाम है व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग। हम लोग व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करते हैं और बच्चों के अंदर जो छिपा हुआ हुनर है, जो कौशल है, जो स्किल है, उसको हम लोग निकाल के बाहर लाते हैं और उसको तदनुरूप हम लोग प्रशिक्षित करते हैं ताकि वो रोजगार परक शिक्षा प्राप्त कर सके और आजकल अपने आप को उद्योगों के अनुरूप ढाल के और वहां पे सहायक बन सके। एक्चुअल में हमारे यहाँ का निकला हुआ जो प्रोडक्ट है वो शॉप फ्लोर पे वर्कशॉप्स में काम करने वाला जो नीचे स्तर का स्किल्ड मजदूर है, या यूं कहिए कारीगर है, या यूं कहिए कि मिस्त्री है, वो हमारे ITI का ही प्रोडक्ट है। अच्छा। कोई छोटी सी छोटी चीज आप देखिए, जो आप देख रहे हैं, वो सब ITI प्रशिक्षित व्यक्ति के हाथ से ही निकल के मार्केट में आई हुई होती है। ये महत्व है हमारे यहाँ व्यावसायिक शिक्षा का। चलिए, बहुत बढ़िया। और जाहिर सी बात है कि अगर अच्छी चीज़ें आएंगी, अच्छा शिक्षण संस्थान बनेगा, तो लड़के ज़्यादा से ज़्यादा जो छात्र हैं वो जुड़ेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो आपको भी काफ़ी कुछ बदलाव करना पड़ेगा जी। तो अभी क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और किस तरह से आपके यहाँ अभी एडमिशन्स की क्या प्रक्रिया है, थोड़ा सा ब्रीफ करिए इस बारे में। देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है जी, तो हमारे यहाँ भी मशीनें, साज सज्जा, उपकरण आदि हम लोग भी वो एडवांस कर रहे हैं। पहले पुरानी मशीन्स लगी हुई थी, नवीन टेक्नोलॉजी, नवीन उद्योगों में जैसे जैसे विकास हो रहा है उसके अनुरूप हम लोग नई नई मशीनें और साज सज्जा मंगा के अपने वर्कशॉप को तदनुरूप हम लोग विकसित कर रहे हैं, फिर उन्हीं मशीनों पे हम लोग बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि वो उद्योगों में जाके, मतलब उनको पिछड़ापन नहीं लगे, वो अपने आप को नवीन टेक्नोलॉजी के अनुरूप ढाल सकें, इसलिए हम लोग नवीन उसमें भी प्रशिक्षण देते हैं और नवीन मशीन्स भी हम लोग मंगाते हैं। हाँ जी जी। अच्छा, मुझे बताइए कि अभी क्या चल रहा है, अभी एडमिशन की प्रक्रियाएं चल रही हैं? जी सर। कितनी सीटें हैं आपके यहाँ? जी सर। क्या है पूरा प्रोसेस, मुझे समझाइए इस बारे में। हमारे जनपद में 5 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं जी। एक तो मेन गोरा बाजार रायबरेली में है, एक महिला संस्थान है जिसमें केवल महिलाएं पढ़ती हैं और बाकी जगह पुरुष महिलाएं दोनों हो सकती हैं, और एक ऊंचाहार में है और एक बछरावा में है और दूसरा सलोन में है। शासन की मंशा है कि हर तहसील में, हर ब्लॉक स्तर पे ITI होनी चाहिए, तो अभी 2 नई ITI डलमऊ और लालगंज में भी प्रस्तावित है। तो इस तरह से हमारे यहाँ 5 प्राइवेट ITIs हैं और 5 गवर्नमेंट ITIs हैं और 12 प्राइवेट ITIs। अच्छा, प्राइवेट भी इसमें? हाँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी इसमें होते हैं। तो मतलब प्राइवेट ITIs भी हैं, गवर्नमेंट ITIs में हमारे यहाँ लगभग 1962 सीट्स हैं। अच्छा। और गवर्नमेंट ITI में लगभग 1012 के आसपास सीट्स। मतलब प्राइवेट में कितनी बताई आपने सीटें? प्राइवेट में हमारे यहाँ लगभग 1012 करीब सीट्स। अच्छा 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 अच्छा। तो इस तरह से हम लोग पूरे जनपद में प्रत्येक वर्ष लगभग 2900 या यूं कहिए कि 3000 लोगों को हम लोग प्रशिक्षित करते हैं। अच्छा, तो इसकी प्रक्रिया क्या है पूरी, मतलब इसमें? देखिए, इसकी प्रक्रिया ये है कि पहले, अब इस समय हम लोगों के मेरिट के आधार पे जी सिलेक्शंस होते हैं, बच्चे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, मतलब बच्चों को परेशान ना हो और बच्चों को ज्यादा भागदौड़ ना करनी पड़े, इसलिए शासन प्रशासन ने, विभाग ने ये सुविधा दी हुई है कि बच्चे ऑनलाइन ही अप्लाई करें। अच्छा। वो साइबर कैफे में जाके अप्लाई कर सकते हैं, अपने घर से अप्लाई कर सकते हैं। तो आजकल रजिस्ट्रेशन चल रहा है, पिछले महीने की 30 जुलाई से शुरू है और ये इस महीने की 23 तारीख तक रात को 12 बजे तक हमारी वेबसाइट खुली हुई है, दैट इज www.scvtup.in पे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है बच्चों का, बच्चे का हाई स्कूल में या कक्षा 8 में जो उसकी मेरिट होगी उस आधार पे उसका सिलेक्शन होगा और इसमें बच्चों से चॉइस मांगी जाती है इंस्टीट्यूट्स की, इसमें बच्चों से ट्रेड की चॉइस मांगी जाती है, तो उसके मेरिट के आधार पर उनका सिलेक्शन होता है। अच्छा, मैं एक बात समझना चाहता हूँ आपसे कि ITI से जो प्रशिक्षित छात्र छात्राएं हैं उनके लिए कौन कौन से अवसर मिलते हैं उनको, मतलब किस किस फील्ड में वो जा सकते हैं जहाँ पर अपना भाग्य आजमा सकते हैं? देखिए, मुझे ये कहने में बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि हमारे यहाँ का जो प्रशिक्षित बच्चा निकलता है
वो समाज की हर फील्ड में जा सकता है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकता है, प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकता है और स्वयं का उद्योग भी लगा सकता है। एक्चुअल में जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है ये नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के मापदंडों को अपनाते हुए उसके अनुरूप बच्चे एनसीवीटी के अनुरूप प्रशिक्षित किए जाते हैं और वो किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में, मतलब कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी विभाग में बच्चे जा सकते हैं, मतलब रेलवे हो गया, रेलवे हो गया और इरिगेशन हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, आर्मी हो गया, और मैं तो समझता हूँ हर ऑफिस में, देखिए जैसे हमारे यहाँ ट्रेड होती है स्टेनो, तो हर ऑफिस में स्टेनो की जरूरत होती है, वहाँ स्टेनो जाते हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी है वहाँ पे पूरा टेक्निकल है तो हमारे सारे बच्चे वहाँ जाते हैं, इरिगेशन में सारे बच्चे जाते हैं, इसके अलावा पब्लिक सेक्टर्स में हमारे बच्चे जाते हैं। पब्लिक सेक्टर भी दो तरह के, एक स्टेट का पब्लिक सेक्टर, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिक सेक्टर, वहाँ भी सारे बच्चे हमारे एब्जॉर्ब होते हैं, जाते हैं, और प्राइवेट में बच्चे सब जगह जाते हैं हमारे। इसके बाद में बच्चे रोजगार भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्कीम चलती है दैट इज क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, दैट इज शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, हम लोग शिल्पी पैदा करते हैं, शिल्पकार पैदा करते हैं, तो ये स्वतः रोजगार के लिए भी प्रेरित करती है आपको। आप हमारे यहाँ से अपने हुनर को डेवलप करिए, आप सर्टिफिकेट लीजिए, इसके बाद में गवर्नमेंट से आप लोन लीजिए और लोन के बाद अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करिए और मतलब अपना उद्योग लगाइए। तो बच्चे मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से लगा के अपने व्यक्तिगत उद्योग लगाने तक हर जगह बच्चे हमारे एब्जॉर्ब होते हैं, और मुझे ये कहते हुए आपसे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ जो तकनीकी ट्रेड्स हैं उन ट्रेड्स में कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं बैठा रहता है। मतलब एक एक बच्चे के पास चार चार पांच पांच जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। मतलब लोग हमसे कहते हैं कि सर हमको 200 बच्चे चाहिए और हम उनको 50 बच्चे भी नहीं दे पाते, उसका कारण है कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं प्लेसमेंट पा जाते हैं। हाँ, ये बात अवश्य है कि जो बच्चा जनपद के बाहर नहीं जाना चाहता जी, वो भले ही बैठा रहे, लेकिन अगर किसी को सब जगह नौकरी करनी है पूरे भारतवर्ष में तो जॉब की बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और अगर जिला उद्योगों में बहुत अग्रणी है तो वहां पे उसको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, वो वहीं पे जॉब कर सकता है। तो ये महत्व है। तो मुझे ये बताइए कि एक लोगों का माइंडसेट हो गया है कि मतलब आईटीआई में मिडिल क्लास का ही बच्चा पढ़ने जाए, मतलब मिडिल क्लास फैमिली का पढ़ने जाए, ऐसा क्यों? मतलब क्या, क्योंकि आपने बताया क्वालिटी हमारे यहाँ की सुपर है, हमारे बच्चे सब जगह जाते हैं, तो ऐसी भ्रांतियाँ कैसे खत्म होंगी कि मतलब कि हर आदमी पढ़ने आ सकता है, कि इसका कोई माना? सर ये धीरे धीरे भ्रांति खत्म हो रही है। एक्चुअल में हमारे यहाँ का जो फी स्ट्रक्चर है वो बहुत कम है। हम लोग केवल 40 रुपए प्रति माह बच्चे से शुल्क लेते हैं। अच्छा। और एट द टाइम ऑफ एडमिशन भी हम लोग 40 रुपीज लेते हैं और कॉशन मनी लेते हैं। कॉशन मनी 300 रुपीज है मान लीजिए, तो वो रिफंडेबल है, जब बच्चे का कोर्स पूरा हो जाएगा तो वापस हो जाएगी। इस तरह बच्चा केवल 40 रुपए दे रहा है प्रति माह, अन्य जगह जैसे डिप्लोमा स्तर की पढ़ाई करेगा या डिग्री स्तर की पढ़ाई करेगा तो उसको बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसलिए अब ये रुझान धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और जैसे जैसे मतलब आईटीआईज में जॉब अपॉर्चुनिटीज डिग्री और डिप्लोमा की तुलना में कहीं ज्यादा क्रिएट हो रही है, तब से बच्चों में आईटीआई के प्रति बहुत आकर्षण बढ़ा है। और मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं है कि हमारा बच्चा इस समय इक्वली स्टैंड कर रहा है डिग्री और डिप्लोमा के बराबर। और मतलब अच्छा तो तब लगता है जब हमारे आईटीआई के बच्चों की टक्कर के लिए एक बीटेक और एमटेक बच्चा आ रहा है, यानी जिस पोस्ट पे हमारे बच्चे को जाना चाहिए वो बीटेक बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए, तो इससे आईटीआई का स्तर हमारा और बढ़ गया है। लगता है कि भाई हमारा बच्चा डिग्री और डिप्लोमा को कंप्लीट कर रहा है, तो ये इसलिए मुझे लगता है कि आईटीआई इज बेटर इन ऑल रिस्पेक्ट। तो मैं इस बात को ये मानूं कि अगर भारत सरकार जो योजनाएं लेके आ रही है वो योजनाओं के तहत ही मेरे ख्याल से ये हो रहा है, या उत्तर प्रदेश सरकार जो ला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इतनी सस्ती अगर शिक्षा मिल रही है तो इसका सभी को लाभ उठाना चाहिए। मतलब अगर आप देखिए कि अगर कोई किसी के अंदर अगर जज्बा होगा कुछ करने का और थोड़ी भी समझ होगी तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास में आता है इतने कम पैसे में, आज की डेट में 40 रुपये फीस में, तो मैंने कभी सुना नहीं। अच्छी बात हुई कि मैंने आज आप संवाद में आपको बुलाया, और मेरे ख्याल से मेरे जो भी दर्शक देख रहे हैं बहुत प्रभावित होंगे, और काफ़ी सारे लोग हैं जो आपके पास में जुड़ेंगे, और ईश्वर करे कि आप और भी सीटें बढ़ाइए रायबरेली में और भी अन्य जगह पर बढ़ाइए। तो मुझे समझाइए कि सरकार मतलब ये नीचे के तबके के लोगों के बिल्कुल कायदे का काम कर रही है शिक्षा
को आगे बढ़ाने के लिए? इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है कि समाज के सबसे निचले स्तर के व्यक्ति को भी लाभ वहां तक पहुंचे, और उस दृष्टि में व्यावसायिक शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि 40 रुपीज शुल्क दे के अगर एक गरीब का बच्चा प्रशिक्षित हो जाता है और वो अपने आप को उसको रोजगार पा लेता है या रोजगार लगा लेता है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश बहुत ही अच्छा काम कर रही है, और आप देखिए कि ITIs हमारी ब्लॉक स्तर पे भी खुल रही हैं और तहसील स्तर पे तो ITIs पहुंच ही गई हैं, और जिस तरह से ITI का जाल बिछ रहा है तो एक समय वो आएगा कि हर बच्चा व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित होगा। तो जो प्रशिक्षण केंद्र खुल रहे हैं, आपने कहा कि ब्लॉक स्तर पे खुलेंगे, तो इसका क्या क्राइटेरिया है, मतलब खोलने का जो लोग? वही क्राइटेरिया है जो जिले स्तर पर क्राइटेरिया है, उसी स्तर की ITI खुलेगी, उन्हीं नॉर्म्स को पालन करते हुए। यानी जो बछरावा में ITI खुलेगी या जो और एक महाराजगंज में ITI खुलेगी वो उसी स्तर की होगी जिस स्तर की हमारी नोडल ITI होगी। बस फर्क केवल ये होगा कि मान लीजिए हमारे यहाँ 30 स्टेट्स हैं, क्योंकि हमारी पुरानी ITI है, यानी हमारे यहाँ 19 स्टेट्स हैं वैसे ITI रायबरेली में। वहां पे जो नई ITI खुलेगी उसमें 12 ट्रेड्स हैं। अच्छा। हाँ, एक ट्रेड 2 यूनिट की होती है और एक यूनिट में मतलब 20 बच्चे होते हैं, ज्यादातर व्यवसाय में 20 बच्चों की एक यूनिट होती है, 2 यूनिट्स मिनिमम खोली जाती हैं एक ट्रेड में। तो इस तरह से आजकल जो नवीन ITIs खुल रही हैं वो सारी 12 ट्रेड की ITIs। तो इसमें एक समझने वाली बात है कि आप 40 रुपए में पढ़ाते हैं जी, जो प्राइवेट जो संस्थान खोलेगा प्राइवेट में आएगा तो उसको क्या सरकार कोई सब्सिडी देती है, मतलब वो कैसे, उसका क्या क्राइटेरिया होता है, खोलने का क्राइटेरिया भी बताइए हमें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इसमें भी अगर किसी के पास में कुछ है माध्यम। सर, प्राइवेट वाले प्राइवेट ITIs काफ़ी लोग खोल रहे हैं, और हमारे प्रदेश में गवर्नमेंट ITI की तुलना में प्राइवेट ITIs की संख्या बहुत ज़्यादा है जी। मतलब अगर मैं तुलना करूँ तो हमारे यहाँ प्राइवेट ITIs 2931 हैं पूरे यूपी में, पूरे यूपी में, और गवर्नमेंट की केवल 307 ITIs हैं। तो गवर्नमेंट की 307 है और प्राइवेट की 2971 ITIs। अब आप इसी से सोच लीजिए, और हमारे यहाँ सीट्स हैं 1,20,000 और प्राइवेट में है 3,31,000। इस तरह से हम लोग 4 लाख लगभग 92,000 मतलब 4,92,000 लोगों को हर साल प्रशिक्षित करते तो हैं। ये क्या, तो प्राइवेट वालों का बहुत योगदान है व्यावसायिक शिक्षा के उन्नयन में। ठीक है, बात है। तो ये क्या प्राइवेट वाले, क्या फीस इनकी कुछ अलग होती है कि वही सेम फीस होती है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। प्राइवेट वालों की फीस गवर्नमेंट की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। अच्छा। पहले तो कोई ज़्यादा ले, काफ़ी ज़्यादा ले लेते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है शुल्क उनको, लेकिन वो भी इतना कम नहीं है, मतलब हमारी तुलना में उनका बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट की तरफ आकर्षित होते हैं, प्राइवेट की तरफ जो ज्यादा पैसे वाले हैं वो आकर्षित होते हैं। अच्छा, तो ये SC ST के लिए क्या है आपके, मतलब क्योंकि जाहिर सी बात है कि SC ST के लिए हम लोग रिजर्वेशन का पूरा पालन करते हैं। हाँ। मतलब जो नॉर्म्स निर्धारित हैं और वो पूरे नॉर्म्स का पालन किया जाता है, जैसे OBC के लिए 27% और SC ST के लिए 21% है, तो वैसे ही आरक्षण हमारे यहाँ भी है, और गवर्नमेंट ने मतलब स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत SC ST के लिए ITIs भी खोली हुई है, तो ये इस तरह से गवर्नमेंट काफी कर रही है। इवन अपार्ट फ्रॉम SC ST महिलाओं के लिए भी गवर्नमेंट ने स्पेशली इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं। गुड, तो महिलाओं के लिए भी इक्वली काम कर रही है, और महिलाओं के लिए आरक्षण भी है हमारे यहाँ, क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को भी दिया जाता है हर ITI में। और आपको जान के ये बहुत खुशी होगी कि किसी ज़माने में जो ये माना जाता था कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, ये सब बॉयज की ट्रेड्स हैं, आज आपको, आप कभी भी हमारी ITIs अगर आएँ और देखें तो लड़कियां भी आपको हर व्यवसाय में कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 लड़कियां मिलेंगी। तो मतलब ये 6-6 लड़कियां मिलेंगी। महिलाओं की जो भागीदारी है, जो सरकार बात कर रही है महिलाओं को आगे करने की, जो बात जो कर रही, वो कहीं ना कहीं सार्थक होता नजर आ रहा है अगर आपके हिसाब से समझा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं भी आके देखना चाहूंगा कि किस तरह से वहां पे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, किस तरह से क्या। आप आए, आपका स्वागत है, मैं दिखाऊंगा आपको, और आपको टेक्निकल ट्रेड्स में भी लड़कियां उतनी ही मिलेंगी जितनी हमारे यहाँ बॉयज पढ़ते हैं। अगर बॉयज आपको 70% मिलेंगे तो 30% आपको गर्ल्स भी उस मतलब ट्रेड में अवश्य मिलेगी। मतलब बच्चों में ही बड़ा क्रेज है, इलेक्ट्रीशियन बच्चियां कर रही हैं, फिटर बच्चियां कर रही हैं, जो माना जाता था कि रेती और थोड़ा बच्चियां कैसे चला पाएंगे, आज वो बच्चियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वर्कशॉप्स में काम कर रही हैं, लेथ मशीन्स पे काम कर रही हैं। क्या बात है। अच्छा अच्छा, आप जिला समन्वयक हैं उत्तर प्रदेश कौशल विकास के, क्या होता है इसमें और कैसे, इसके लिए कैसे काम क्या होता है, मैं समझना चाहता हूँ इस बारे में।
कौशल विकास मिशन में देखिए, कौशल विकास मिशन में शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, कुछ घंटों के कोर्सेज होते हैं, जैसे 3 मंथ्स के, 4 मंथ्स के, मैक्सिमम 6 मंथ्स के, या घंटों के हिसाब से कोर्सेज होते हैं। तो ये छोटे कोर्सेज हैं, ये तात्कालिक लाभ के लिए कोर्सेज हैं। जैसे मतलब क्या क्या, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं? हर सेक्टर में कोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एग्रीकल्चर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ड्रेस में सेक्टर में, हर सेक्टर्स में छोटे छोटे कोर्सेज। ये एक्चुअल में बहुत ही मतलब शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। अगर इसको किसी को करना हो तो कब ये इसकी प्रोसेसिंग कब इसकी कंटिन्यूअस रहती है? अच्छा, बराबर चलती रहती है। बराबर चलती रहती है। और बहुत सारे प्राइवेट ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, इनको हम लोग PTPs कहते हैं। तो इनको गवर्नमेंट ने, हमारा एक विभाग है उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, उसने बहुत सारे PTPs को एंगेज किया हुआ है। वो PTPs बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। और हमारी ITIs, दे आर नोन एज GTPs, गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, तो हम लोग भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज देते हैं। यानी जो जैसे ITI है, ये वृहद कोर्स हो गया, इसी को आप बहुत सारे छोटे 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 कोर्सेज में बांट दीजिए, वो कौशल विकास मिशन करता है। बस ये, तो वो प्रशिक्षित होके वो भी अपना उद्योग लगा सकते हैं और वो भी सर्विस पा सकते हैं इंडस्ट्रीज में। और उसके लिए एक स्पेशल अभियान हम लोग चलाते हैं और उनको प्लेसमेंट करवाते हैं। जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर है वो बच्चों को प्लेसमेंट भी कराता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलिए, आपने एक बताया कि शॉर्ट कोर्स होता है, ये जो ITI का आपने बताया कि लंबा होता है, तो क्या इसका अंतराल क्या होता है, टाइमिंग क्या होती है, कि मतलब 3 साल का, 1 साल का, कैसे हो, क्या होता है? आप ITIs दो तरह के होते हैं, एक वर्षीय कोर्स और द्विवर्षीय कोर्स जी, और इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग, ये डिविजन्स हैं। प्राविधिक, इतर प्राविधिक, ओके, और कक्षा 8 पास और हाई स्कूल पास। मोस्टली जो इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं वो हाई स्कूल के लिए हैं, और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं वो कक्षा 8 के लिए हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। तो जैसे लड़कियों के लिए है, तो कुछ ट्रेड्स ऐसी हैं जो जैसे बॉयज के लिए है, कुछ ट्रेड्स ऐसी हैं जो कक्षा 8 पास हैं, बाकी सब मोस्टली हाई स्कूल ट्रेड्स होती हैं। तो हम लोगों के यहाँ ज़्यादातर हाई स्कूल बच्चे आते हैं, लेकिन अब तो हाई स्कूल के अगेंस्ट आपको हमारे यहाँ ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे भी मिलेंगे जो ITIs कर रहे हैं। तो इसकी अंतिम तिथि क्या बताई आपने, कि अभी जो चल रहा है प्रोसेसिंग जो चल रही है, उसकी अंतिम तिथि वगैरह क्या है? 23 तारीख की रात 12 बजे तक वर्तमान जो निर्देश है, 23 अगस्त, हाँ 23 अगस्त की रात 12 बजे तक प्रवेश के लिए बच्चे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद विद इन 10-15 डेज रिजल्ट निकल जाएगा, और बस एवरीथिंग विल बी कंप्यूटराइज्ड। चलिए, अब हम लोगों ने इसकी बात कर ली, मैं कुछ आपसे समझना चाहता हूँ कि भारत में COVID-19 जिस तरह से आया, तैयार नहीं थे हम पहले, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने लगातार अपील की और अपील कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर आई। आप एक संस्थान के मुखिया के तौर पर हैं, नोडल प्रिंसिपल के तौर पर हैं, आपने किस तरह से समस्याओं का सामना किया, क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपसे बहुत सारे बच्चे भी जुड़े थे, कोर्सेज भी चल रहे होंगे, क्या चुनौतियां आई आपके सामने? सर, सबसे पहले तो बायोमेट्रिक से शुरुआत हुई, बायोमेट्रिक बंद कर दी गई, क्योंकि उसमें थंब इंप्रेशन लगाया जाता है। इसके बाद बच्चों की क्लासेस बंद कर दी गई और ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू हो गया। जो प्रशिक्षण हम लोग शॉप फ्लोर पे देते थे वो सारा का सारा ऑनलाइन शुरू हो गया। अब हमारे टीचर्स बच्चों को माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू या अन्य बहुत सारे माध्यम हैं उसके थ्रू बच्चों को पढ़ाने लग गए हैं। तो मोस्टली थ्योरेटिकल पोर्शन और पार्शियली प्रैक्टिकल पोर्शन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वो टूल्स एपरेटर्स देख के तो बताते ही हैं, वो तो बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। पर डे हमारी क्लासेस होती हैं पर डे, और बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं, और थोड़ा सा प्रैक्टिकली नहीं बच्चे कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी जब गवर्नमेंट प्लान करेगी इंस्टीट्यूट्स खोलने के लिए, जब ये महामारी का प्रकोप कम होगा, खोलेगी, तो बच्चों को संभवतः 4 वीक्स का शॉप फ्लोर प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसके बाद उनके एग्जाम की तैयारी होगी। दूसरी बात यह है कि हम लोग अपने संस्थान को हमने सैनिटाइज कराया, हम लोग डेली सैनिटाइज कराते हैं, हम लोगों ने हमारे मतलब स्टाफ मास्क पहनता है और सैनिटाइजर हमने सबको दिए शुरुआत में ही,
और स्टार्टिंग में ही हमने उससे रिलेटेड थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह सारी सुविधाएं अपने यहाँ की, पूरा एक हेल्प डेस्क तैयार की। कोई भी आता है तो सबसे पहले वो गेट पे उसकी चेकिंग होती है, एक रजिस्टर मेंटेन उस पर एंट्री की जाती है, उसका टेम्परेचर हम लोग लेते हैं, एक ऑक्सोमीटर है जिससे वो ऑक्सीजन और उसका लेवल लेते हैं, इसके बाद वो अंदर आता है। आते रहते हैं लोग अपने किसी ना किसी काम से, बच्चे नहीं आते हैं। स्टाफ के लिए था कि स्टाफ आएगा, तो एक नियत तिथि जो निर्धारित की थी गवर्नमेंट ने, उसके बाद स्टाफ का आना भी शुरू हो गया, फिर उसको कई पालियों में बांट दिया गया, कई चरणों में, थ्री फेजेस में हम लोगों ने डिवाइड किया उनको। कुछ 9 बजे से आते हैं, कुछ 10 बजे से आते हैं, कुछ 11 बजे से आते हैं, तो इस तरह से आते हैं। मैं प्रॉपरली सैनिटाइजेशन कराता रहता हूँ, जैसे आज ही मैंने अपने कैंपस को सैनिटाइज कराया है। हम लोगों ने मशीन भी परचेज की थी उसके लिए, और हमारा जो स्वच्छकार है वो सब जगह है, सैनिटाइजेशन करता रहता है। जाहिर सी बात है, देखिए इस बीमारी की कोई दवा नहीं बनी, अगर हम लोग थोड़ा भी कुल मिला के सावधान रहेंगे, सावधानी बरतेंगे, अगर देखिए प्रधानमंत्री के 2-3 संकल्प हैं बड़े बड़े, स्वच्छ भारत हो गया, उसकी के अंतर्गत ये सफाई भी आती है जी, और दूसरा डिजिटल भारत की जो विजन है वो भी दिखाई पड़ा कि COVID-19 जिस तरह से आया, आपने बताया कि हमने इस समय ऑनलाइन पढ़ाई करवाई, तो कहीं ना कहीं पहिया रुका नहीं। बिल्कुल नहीं रुका जी, सतत चल रहा है और सारे काम चल रहे हैं जी जी जी। ऐसा नहीं है कि इस महामारी के पीछे की वजह से कुछ बंद हो गया हो, ऑफिशियल वर्क सारे बिल्कुल वैसे ही होते हैं, रोज सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, बस फर्क इतना पड़ा है कि जो प्रशिक्षण शॉप फ्लोर में होता था वो ऑनलाइन दिखा रहे हैं, ऑनलाइन होने लगा है। चलिए उसका फायदा कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि नजर, निश्चित रूप से उसमें कोई डाउट नहीं है, और अब तो लोग हमको मतलब अप्रोच भी कर रहे हैं कि हमको इतने बच्चे चाहिए, डिफरेंट कंपनीज आ रही है हमारे यहाँ, वो भी ऑनलाइन कर रही हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ मारुति सुजुकी का 2 दिन से कैंपस इंटरव्यूज हो रहा था, तो वो ऑनलाइन वो बच्चों से बायोडेटास वगैरह ले रहे हैं, इसके बाद फिर वो उनको सेलेक्ट करेंगे ऑनलाइन और बच्चों को बुलाएंगे, ले जाएंगे। तो प्रोसेस वैसे ही चल रही है, बस थोड़ा सा व्यवधान अवश्य आया था, और बस अब यही प्रार्थना है ईश्वर से कि अब ये जल्दी। मैं तो समझता हूँ कि भारत के सभी नागरिक बहुत मजबूत हैं, और अपना भारत एक ऐसा ऐसे लोगों से भरा हुआ है जहाँ पे जोश जज्बा और हर चीज से लड़ने की ताकत उनके अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, समस्या से लड़ने की दवा उनके बिल्कुल, पास बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं एक बात आपसे भी समझना चाहता हूँ कि आप मुखिया के तौर पे हैं, कैसे देखते हैं आप, आपने समस्याओं को निपटाया, अपने संस्थान को आप चला रहे हैं, जब आप इतने बड़े संस्थान को चलाते हैं और बच्चे वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ के लिए आपने उनको तैयार किया हो, कैसा लगता है आपको उस समय जब आप उनको उस मुकाम पर देखते हैं? जाहिर सी बात है कि अध्यापक, एक शिक्षक, एक मुखिया जब देखता है तो उसको बहुत खुशी होती होगी। मैं आपकी वो बात समझना चाहता हूँ कि जब आपको पता लगता है, जैसा आपने बताया कि अब हम बराबरी पे आ गए हैं, जो डिप्लोमा वाला बच्चा है आपको डिग्री वाले के सामने खड़ा है, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है और बड़ी आत्मिक बहुत अच्छी अनुभूति होती है, और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कई बार मेरे बहुत सारे NTPC के दोस्त हैं, वो जैसे किसी से मैं मिलता हूँ तो उन्होंने बताया सर हमने भी आपके यहाँ से फलासन में ITI की थी, तो मुझे लगता है अरे इसने ITI की थी और वो वहाँ पे मैनेजर बन गए, वाह कितना अच्छा लगता है। यानी जिस पोस्ट को डिग्री और MTech वाले विभूषित कर रहे हैं उसमें प्रमोट होते होते शॉप फ्लोर से बच्चा सबसे पहले फिर सुपरवाइजर बनेगा, सबसे पहले कारीगर बना, वहाँ पे शॉप फ्लोर का वर्कर बना, सुपरवाइजर बना, फिर और प्रमोट होके वो मैनेजमेंट तक बच्चे पहुँच जाते हैं, तो तब बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत आत्मिक अनुभूति होती है कि ये बच्चे मतलब जिन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था कि हम इतने ऊंचे उठ जाएंगे, उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं। अरे हमारे बहुत सारे बच्चों ने तो इंडस्ट्रीज लगाई हुई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई हुई हैं, और हमारा विभाग तो उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाता है। प्रतिवर्ष हम लोग विश्व युवा कौशल दिवस मनाते हैं, तो उसमें ये हम लोगों को निर्देश रहते हैं कि इस तरह के बच्चों को सर्च किया जाए जिन बच्चों ने ITI तो की है और नाम भी बहुत रोशन किया है, नाम कमाया है अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से, तो ऐसे बच्चों को हम लोग सर्च करके उनको सम्मानित करते हैं और वो भाषण देते हैं ताकि उनको अन्य बच्चों को प्रेरणा मिले। वो हम अपने वर्तमान बच्चों के सामने उन भूतपूर्व बच्चों को मतलब प्रस्तुत करते हैं एक आइडियल बना के, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और जिस तरह से आप अपने संस्थान को चला रहे हैं, ईश्वर आपको और आगे बढ़ाए और नए नए कोर्सेज आप लेके आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जो है शिक्षित करें। बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू जी, थैंक यू आपने मुझे अवसर दिया। तो ये थे आर्यन तिवारी जी जो हमारे साथ में संवाद कार्यक्रम में जुड़े थे, उन्होंने बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ दी, और आप भी ITI से जुड़े, अगर आपको कुछ करना है तो कुछ अभी देर नहीं हुई, उन्होंने साफ तौर पर जिस तरह से बताया कि क्या क्या अवसर हैं, आप भी इन अवसरों का फ़ायदा उठाइए।
मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कोविड 19 चल रहा है, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, बाजारों में कम जाइए, जब जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा समाज को सुरक्षित रखिए और आप भी सुरक्षित रहिए। संवाद में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।